आज हम आपको कराएंगे रोले थ्योरम और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ये दोनों ही थ्योरम हम इतने आसान तरीके से कराएंगे, अगर आपके अभी तक ये पक्की नहीं हुई है तो समझ लीजिए इस वीडियो को देख के आपकी ये दोनों थ्योरम बहुत पक्की होने वाली है और इससे क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में पूछा जाता है। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए अब हम समझते हैं रोले थ्योरम को। रोले थ्योरम क्या होती है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिए, अब मैं इसको आपको समझाता हूं। यदि एक वास्तविक मान फलन बोले तो रियल वैल्यू फंक्शन बंद अंतराल को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल में इस प्रकार परिभाषित हो, तो पहले देखिए इस लाइन का मीनिंग समझिए। वास्तविक मान फलन क्या होता है, रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, ये समझिए। देखिए अगर हम कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है और यहाँ पे एक्स के स्थान पे कोई रियल वैल्यू रखें और रखने पर रियल वैल्यू ही आए तो उसे हम वास्तविक मान फलन कहते हैं। अब देखिए रियल वैल्यू क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। परिमेय यानी कि रेशनल, अपरिमेय यानी कि इरेशनल, और पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इसमें से कोई सी भी संख्या आ सकती है, यानी कौन सी नहीं आनी चाहिए, अब ये समझिए। जो अंडर रूट के अंदर माइनस में होते हैं, -2 -3, ये नहीं आनी चाहिए। और अपरिभाषित संख्या जैसे 0/0, अनंत की पावर अनंत, अनंत अपॉन अनंत, इस टाइप की जो संख्या नहीं आनी चाहिए, अगर ये वैल्यू आती है तो वो रियल वैल्यू फंक्शन नहीं होगा। सबसे पहली ये शर्त है इसकी। बंद अंतराल का मतलब देखिए, एक होता खुला अंतराल, एक होता बंद अंतराल। अगर देखिए ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इस तरह से, तो ये बंद अंतराल का होता है, और ये वाला ब्रैकेट लगा होता है तो खुला अंतराल होता है। तो यहां पे देखिए एक बात मैं बता दूं, आप इसको कोऑर्डिनेट से तुलना मत करना। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, अगर हम इस तरह से लिखते हैं ए कोमा बी, तो इसका मतलब ये होता है एक्स और ये होता है वाई, यानी ये हो जाए भुज और ये कोटी। लेकिन हम इसमें रोले थ्योरम में अगर यहाँ पे इस तरह लिखा ए और बी, तो इसका मतलब ये दो, ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू, बस क्या है ए से बी तक है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 3 से 5 लिखूं, तो इसका मतलब क्या है कि 3, 5 इसमें नहीं है, 4 होगा। यानी कि रियल नंबर की, अगर मैं इसमें नेचुरल नंबर की बात करता हूं, ठीक है। और जैसे मैंने कहीं पे लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा 4 से 10 लिखा, ठीक है। तो 4 से 10 का मतलब क्या है कि 4 और 10 इसमें नहीं लेने, क्या लेने, 5, 6, 7, 8, 9 ये इसमें अंदर लेने। इसका मतलब ये होगा, ये ध्यान रख ले, इसका कोऑर्डिनेट वाला जो सिस्टम है वो यहाँ अप्लाई नहीं करना, ये वाली बात समझ ले। और कहीं पे अगर ऐसा लिखा है 4, 10, तो इसका मतलब क्या कि 4 भी लेना है 10 भी लेना है। इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो क्लोज में 4 और 10 भी हमें लेना है, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। कब, अगर ये क्या है, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे अगर हमसे कह दे कि रियल नंबर है तो हम इसको नहीं ले सकते, यानी इस तरह हम खोल के इसको नहीं ले सकते, क्योंकि 4 और 10 के बीच में करोड़ों रियल नंबर है, करोड़ों रियल नंबर को हम इस तरह नहीं ले सकते। लेकिन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई गई होगी। अब देखिए आगे क्या है, रोले थ्योरम तभी सेटिस्फाई होती जब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो। नंबर एक क्या है कि जो कोई भी फंक्शन जो होना चाहिए वो क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए। अब देखिए इसमें हम यहाँ सतत प्रूफ नहीं करेंगे, केवल इमरजेंसी में ही प्रूफ करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, हम क्वेश्चन को देख के ही बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो सतत है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे, इसके लिए मैं कुछ नियम अभी आपको बताने वाला हूँ अगले पेज पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देख के ही बताएंगे कि जो फंक्शन है वो सतत है या नहीं है। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या है कि खुले इंटरवल यानी ओपन इंटरवल, देखिए आप ये ब्रैकेट लगा तो इसका मतलब ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में ये जो होना चाहिए अवकल्य होना चाहिए, यानी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। साथ में जो हमें इंटरवल दिया हुआ है, जो हमें इंटरवल दिया हुआ है यानी कि ए और बी जो किनारे वाले पॉइंट है उस पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यानी कोटी निकालेंगे, बाई निकालेंगे, और जो वो है वो सेम टू सेम आनी चाहिए। अगर सेम टू सेम है तब ये 3 कंडीशन होगी। साथ में हम एक खुले अंतराल ए बी में एक वास्तविक संख्या सी इस प्रकार स्थित है, यानी कि ए और बी के बीच में कोई एक संख्या ऐसी जरूर होगी जहां पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे वो एक्स एच के समांतर होगी। तो एक्स एच के समांतर जो टेंजेंट होती वो ये होती है f'(x=0) से बोलते हैं एक्स एच के समांतर टेंजेंट, और एक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे, सी, क्योंकि हमें वो पॉइंट यहाँ पे निकालना होगा। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो रोले थ्योरम होगा, अदरवाइज रोले थ्योरम नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ये 3 बातें, यानी कि हम क्वेश्चन को देख के ही बताएंगे कि जो क्वेश्चन है वो सतत है कि नहीं है, उसके लिए कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। तो वो क्या पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ।
अब देखिए, अगर आप रोले और मध्यमान प्रमेय को बहुत अच्छे से करने वाले हैं तो ये जो 5 पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये आपको समझे हुए भी होने चाहिए और याद भी होने चाहिए। अगर आप इनको याद नहीं रखते, समझेंगे नहीं, तो आप क्वेश्चन को बहुत लंबा खींचने वाले हैं, क्वेश्चन को लेंथ ही करने वाले हैं और क्वेश्चन आपके हो सकता है समझ में भी ना आए। इसलिए ये जो 5 पॉइंट है दिमाग में डाल लीजिए, बिल्कुल घुस लीजिए दिमाग के अंदर और अच्छे से इसको समझ भी लीजिए। देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ, पहले इन लोग अच्छे से समझेंगे क्या है। देखिए यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत नहीं है तो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय भी नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि हम किसी फंक्शन की ये जांच करेंगे कि ये सतत है या नहीं है। अगर सतत नहीं है तो हम उसकी डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट कह देंगे कि ये नॉन डिफ्रेंशिएबल है। लेकिन यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है तो जरूरी नहीं कि उस बिंदु पर अवकलनीय भी होगा। लेकिन क्या हो गया, अब हमें ये तो पता लिया कि ये सतत है तो हमें अवकलनीय चेक करना पड़ेगा, तो बिना चेक करे हम ये नहीं कह सकते कि ये अवकलनीय भी होगा। लेकिन सतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा, सतत आ गया तो हमें डिफ्रेंशिएबिलिटी उसकी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन यह आवश्यक है कि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वो उस बिंदु पर सतत अवश्य होगा। और किसी प्रकार से अगर हमें फंक्शन को देख के ये मालूम चल गया कि ये फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है तो हमें उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। कोई भी फंक्शन अगर डिफ्रेंशिएबल होता है तो 101% सतत होता है, कंटिन्यूस होता है। तो ये वाली पॉइंट को आप अच्छे से समझ ले और इसको अच्छे से याद भी कर ले क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है इसको भी समझिए, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या है, सभी बहुपद फलन। बहुपद का मतलब क्या है जानते होंगे आप, नहीं जानते तो बता दिए। ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स की घात एक पूर्ण संख्या हो, इस टाइप का, यानी ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में ना होनी चाहिए पावर, ठीक है। सभी बहुपद फलन, अचर फलन, अचर फलन का मतलब जो कॉन्स्टेंट हो, चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन का मतलब ए की पावर एक्स के रूप में हो या ए की पावर एक्स के रूप में हो। वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक का मतलब परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक, यानी रेशनल, इरेशनल और इंटीजर के लिए सतत एवं अवकलनीय होते हैं। तो देखिए काम की बात नोट करिए, अगर कोई इस तरह का फंक्शन आएगा तो हम जांच नहीं करेंगे, डायरेक्ट कह देंगे कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। कैसा, अगर वो पॉलीनोमियल्स हो, कांस्टेंट हो, एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है, अगर इसमें से कोई सा फंक्शन आता है तो हम उसकी जांच नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कितना महत्वपूर्ण है। देखिए लघुगणक, यानी कि किसी के शुरू में लघु लिखवा जाए, लघुगणक आ जाए, यानी लोग लिखवा जाए, त्रिकोणमितीय मतलब साइन कोस वाले आ जाए, प्रतिलोम का मतलब इनवर्स कोस इनवर्स टैन इनवर्स आ जाए, ठीक है, तो हम इनकी भी जांच नहीं करेंगे, ये अपने प्रांत में सतत और अवकलनीय होंगे। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि सतत और अवकलनीय अपने प्रांत, अपने प्रांत का मतलब ये है जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे साइन है, तो साइन का मतलब ये नहीं है कि ऑल रियल नंबर के लिए ये, जबकि ये तो लिखा सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, दो नंबर वाला क्या सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, लेकिन तीन वाले सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं होते, वो केवल अपने प्रांत में, यानी जो उनकी अपनी रेंज होती है, जो उनकी अपनी औकात होती है, उसी में केवल डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल होंगे, सब में नहीं होंगे। जैसे साइन के लिए हम जानते हैं -1 से +1, ठीक है, तो -1 से +1 ही रहता है इसमें, यानी एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या है, केवल -1 से +1 के बीच में, नहीं -1 से कम होती ना +1 से ज्यादा होती है। ऐसी जो लोग वाला फंक्शन होते हैं वो उसमें निगेटिव के लिए नहीं होता, केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही होता है, ठीक है, क्या केवल निगेटिव वैल्यू के लिए नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पे एक बात और भी है, तो हो इसकी रेंज, और इसके जो डोमेन होगी, जैसे साइन का फंक्शन है तो साइन का जो फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो इस तरह से है, ऐसे करके, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 से π तक ये कंटिन्यूस है, तो अपना प्रांत का मतलब 0 से π के बीच में, बाकी पूरा चेक नहीं करना। ऐसी मान लीजिए टैन वाला फंक्शन, टैन वाला फंक्शन क्या होता है, ये इस तरह से होता है, यानी कि -π/2 से +π/2, तो अपनी रेंज का मतलब जो इनकी रेंज में कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, -π/2 से +π/2 के लिए होता है, साइन 0 से π के लिए होता है, इस तरह कोस वाला भी होता है, सबकी अपनी अपनी अलग रेंज होती है। और जो लोग वाले होते हैं वो केवल पॉजिटिव होने चाहिए, 0 से बड़े ही होने चाहिए, ठीक है, और ऐसी तरह से प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय मतलब जैसे -1 से +1, ये तो प्रतिलोमीय हो गए और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गए, ठीक, 0 से π। तो इसमें क्या, अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो वो अपने प्रांत में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, हम उनको चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कह देंगे कि इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। अब देखिए चौथा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवकलनीय फलनों का योग, अंतर, गुणा और भाजन। कहीं कहीं पे इस तरह का फंक्शन आ जाएगा, जैसे मान लिया आ गया e की पावर एक्स और कोस एक्स आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए दो फलनों का गुणनफल हो रहा है, तो अगर कहीं पे क्या हो, योग हो, योग का मतलब बीच में प्लस लगा हो, अंतर माइनस लगा हो, बीच में गुणा हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड करा हो, ठीक है, अगर वो अलग अलग अवकलनीय है या सतत है
तो उनका जो डिवीजन होता है, डिवीजन का मतलब या मल्टीप्लाई होता है, वो भी अवकलनीय और कंटिन्यूस होगा। तो कहने का मतलब यह, जैसे e की पावर x है, ये क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल है। तो हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल जो अपने प्रांत में कंटिन्यूस होता है। कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ये अपने प्रांत में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है और डिफेंसिबल होता है। तो इनका जो मल्टीप्लाई है वो भी 101% कंटिन्यूस और डिफेंसिबल होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें कि अगर दो अलग अलग कंटिन्यूस और डिफेंसिबल हैं तो हम उनको प्लस कर दें, माइनस कर दें, या मल्टीप्लाई कर दें, या डिवाइड कर दें, तब भी वो अवकलनीय और डिफेंसिबल और कंटिन्यूस होंगे। पांचवा पॉइंट ये है कि एक्स का मापांक, यानी कि कोई एक्स है उसका जो मॉडुलस है जीरो पर अवकलनीय नहीं होता, यानी कि जीरो छोड़ के बाकी सब पर ये डिफरेंशियबल होता है। जब डिफरेंशियल होगा तो कंटिन्यूस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये पांच पॉइंट अपने अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाले हैं। रोले थ्योरम को और अच्छे से समझने के लिए इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि रोले थ्योरम का है क्या मतलब। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंतराल, अंतराल का मतलब जैसे ये लिखा, ये है क्लोज इंटरवल, यानी ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, जबकि यही चीज अगर कोऑर्डिनेट में होती है तो पहला क्या होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो पहले उससे कंपेयर बिल्कुल इसकी करनी नहीं है। तो यहाँ पे अंतराल देखिए क्या, ए कोमा बी। तो यहाँ पे ए कोमा बी का मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो ए से शुरू है, तो यहाँ पे इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो ए कोमा जीरो हो जाएंगे, पहला पॉइंट, अगर ये डिस्टेंस ए है। ठीक है, और जो लास्ट वाला पॉइंट है, अगर इसकी डिस्टेंस यानी कि बी है ओरिजिन से, तो ये इसका जो कहलाएगा अंतराल कहलाएगा, यानी बी कोमा जीरो। तो ये जो अंतराल हो गया, या इसे हम इंटरवल बोलते हैं, तो इंटरवल क्या हो गया, ए से लेके बी तक हो गया। ठीक, यहां पे अगर हम वाई की वैल्यू निकालें, यानी कि इसे हम कहेंगे वाई के स्थान पे एफ ए कहेंगे, ये वाली दूरी को, और इसे कहेंगे हम एफ बी। ठीक है, तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट निकालें तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे ए कोमा एफ ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे बी कोमा एफ बी। अब जरा देखिए यहां समझने वाली बात है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि एफ एक्स बंद अंतराल ए कोमा बी में सतत होना चाहिए। बंद अंतराल का मतलब ये वाला पॉइंट भी हमें लेना है, इस वाले पॉइंट से लेके यहां तक सभी पे सतत होना चाहिए। सतत का मतलब यहां से यहां तक ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, देखिए यहां से लेके ये ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूस है, यानी कि बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहा है, और ए पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है और बी पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सतत है। ठीक है, दूसरी बात, खुले अंतराल ए को बी में अवकलनीय होना चाहिए। खुले अंतराल का मतलब ए और बी को छोड़ के, ए और बी के छोड़ के इतने जितने भी पॉइंट है नीचे, यहाँ पर इसके बीच में जितने भी पॉइंट है, उस सब पे टेंजेंट ड्रा होनी चाहिए, यानी कि कहीं भी हम टेंजेंट खींचे, स्पर्शी खींचे, वो स्पर्शी खिंच जानी चाहिए। कहीं भी खींचे वो स्पर्शी ऐसे खिंच जानी चाहिए। अगर वो स्पर्शी नहीं खींचेगी तो उसका मतलब वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तीसरी बात, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि जो हमने वैल्यू निकाली है, फंक्शन की वैल्यू निकाली ए पर और बी पर जो फंक्शन की वैल्यू निकाली, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। कहने का मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जो है बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए जो तीसरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट चौथा, खुले अंतराल ए बी में एक अस्तित्व सी इस प्रकार होगा, यानी कि ए और बी के बीच में कोई ना कोई पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसपे अगर हम टेंजेंट खींचे तो वो एक्स अक्ष के समांतर होगी। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अगर हम ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे वो एक्स अक्ष के समांतर होगी। टेंजेंट का मतलब एफ डैश एक्स, इसे हम टेंजेंट बोलते हैं, एफ डैश एक्स को। ठीक है, एक्स एच के समांतर होगी तो इसका मतलब इसकी जो स्लोप होगी, प्रवणता होगी, वो जीरो होगी, क्योंकि एक्स एच के समांतर जो प्रवणता होती है वो जीरो होती है। ठीक, अब यहाँ पे चूंकि सी पर है तो एक्स के स्थान पे हम यहाँ पर सी करेंगे, यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा खुले अंतराल ए और बी में एक अस्तित्व संख्या, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है खुले अंतराल ए बी में अस्तित्व संख्या सी, यानी कि कोई ना कोई सी ऐसी जरूर होगी, अगर उस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचे तो वो एक्स एच के समांतर होगी, और एक्स एच के समांतर जो टेंजेंट होती है वो होती है एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि वो किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, तो एक्स के स्थान पे सी रखेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो मैं समझता हूँ ये मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कम से कम एक पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट है बीच में, एक से ज्यादा पॉइंट पे भी टेंजेंट जो है वो एक्स एच के समांतर हो सकती है। जैसे कि देखिए ये ग्राफ अगला वाला देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए ये तो वो है ए, ए है, यानी यहां से यहां तक की जो पॉइंट है वो है ए कोमा जीरो, और जो लास्ट वाला है वो है बी कोमा जीरो, यानी कि इसकी जो रेंज है वो ए से बी है, यानी इंटरवल जो है वो ए से बी है। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए, एक तो यहां पे हम एफ ए निकाले,
ये वाला, और यहाँ पे एफ बी निकालें लास्ट वाला, ये दोनों सेम टू सेम होने चाहिए, ठीक नंबर एक। दूसरी बात क्या बताई थी, ए और बी के बीच में कहीं भी कोई भी ग्राफ बिल्कुल टूटना नहीं होना चाहिए। देखिए यहां से यहां तक का कोई ग्राफ बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, साथ में अगर हम फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, देखिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए, ए यहाँ पे जो हो जाएगा इसका पॉइंट ए कोमा एफ ए, और ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा बी कोमा एफ बी। तो यहां पे हमने क्या बताया कि ए और बी, यानी ए पे भी हम और बी को भी शामिल करें तो ये पूरा कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी सतत होना चाहिए, ठीक है। साथ में डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए और बी को छोड़ के, यानी किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचे तो वो टेंजेंट ड्रा होनी चाहिए, ठीक। और कम से कम इन दोनों के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिसपे टेंजेंट एस एस के समांतर है। तो यहां पर देखिए एस एस के समांतर एक नहीं तीन तीन है, हमने कहा कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो इसे हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, सी वन, ये सी टू और सी थ्री। तो जैसा कि इसमें ग्राफ जो दिया है इसमें देखिए तीन पॉइंटों पर जो टेंजेंट है वो एक्स एच के समांतर है, इसलिए ये जो पॉइंट है सी की वैल्यू है वो कम से कम एक तो होनी चाहिए और एक से ज्यादा भी होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम एक जरूर। अगर एक भी नहीं है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इसमें रोले जो थ्योरम है वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको रोले थ्योरम बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे ये रोले थ्योरम आपकी और पक्की हो जाए। ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अगर आपने थियोरी को बहुत अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन आप चुटकियों में करने वाले हैं। जैसा कि देखिए क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है, फलन इतने के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए जबकि ए बराबर माइनस टू और बी बराबर टू, यानी कि एक हमें फंक्शन दिया हुआ इसे हमें रोले प्रमेय है इसमें प्रूफ करनी है। तो रोले प्रमेय वाई का मतलब एफ एक्स ही होता है, वाई बोल दो या एफ एक्स बोल दो बात एक ही होती है, यानी यहाँ पे हमें एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू और हमें ये बताना है कि इसमें रोले प्रमेय सेटिस्फाई हो रही है। तो भाई अगर रोले प्रमेय इसमें सेटिस्फाई हो रही है तो रोले प्रमेय की जो तीन कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, साथ में जो चौथी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसा कि देखिए मैंने अभी जो पांच पॉइंट बताए थे अगर वो पॉइंट आपने समझे हुए हैं तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं पड़ने वाली। जैसे इस पांच पॉइंट में क्या कहा था, सभी बहुपद फलन क्या होते हैं, सतत और अवकलनीय होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये जो है एक बहुपद है, बहुपद की पहचान क्या होती है, एक्स की जो पावर है वो एक पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव पूर्णांक होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, अगर है तो वो बहुपद है। अब देखिए चूंकि ये बहुपद है पॉलिनोमियल है तो हमें कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लाइन लिख देंगे सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इज अ पॉलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल, इसका रेंज दे रखी है हमें माइनस टू से टू, तो क्लोज इंटरवल ये हो जाएगा, ठीक है। और ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा इसका, माइनस टू कोमा टू, ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल। एंड डिफ्रेंशिएबल ओपन इंटरवल माइनस टू कोमा टू, या कहने का मतलब यह है कि एफ एक्स चूंकि ये बहुपद है अतः ये जो है बंद अंतराल माइनस टू कोमा टू पर सतत होगा और खुले अंतराल माइनस टू कोमा टू पर अवकलनीय होगा, ये वाली बात हमें लिखनी पड़ेगी। इसमें लिखने का काम ज्यादा है लेकिन कंपटीशन में हमें लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर देना है। अब साथ में देखिए तीसरी कंडीशन क्या है कि जो हमें रेंज दे रखी है उसकी वैल्यू एक सेम टू सेम आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए हम रख कर देख लेते हैं, एक्स के स्थान पर देखिए माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू रखेंगे तो दो दूनी चार प्लस के दो छः आया है। अब हम यहाँ पे प्लस का टू रख के देखेंगे और यहाँ पे सोल्व होकर बिल्कुल सेम टू सेम आना चाहिए, क्योंकि देखिए माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही हो जाता है, यहाँ भी देखिए छः आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। तो सेम टू सेम निकालना, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। कंटिन्यूअस क्यों हुआ, क्योंकि पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल क्यों हुआ, क्योंकि पॉलिनोमियल है और फंक्शन की वैल्यू ये इक्वल आ गई। अब कौन सी कंडीशन रह गई, अब हम कोई कम से कम एक वैल्यू ऐसी निकालेंगे जो इस रेंज के बीच में होनी चाहिए और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो एक्स एच के समांतर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम देखिए इसका सबसे पहले डिफरेंशियल करेंगे, तो डिफरेंशियल हमने देखिए कर दिया, एक्स का डिफरेंशियल हो गया टू एक्स और इस एक्स के प्लेस पर क्या रखना, हमें एक्स के प्लेस पर पॉइंट रख दिया ना सी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और चूंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगी एक्स एच के समांतर होगी तो एफ डैश सी के स्थान पे हम जीरो रखेंगे और यहां से सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और सी की जो वैल्यू है वो किसके बीच में होनी चाहिए, ओपन इंटरवल माइनस टू कोमा टू। तो क्या बताइए जीरो माइनस टू कोमा टू के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है, तो इसका मतलब रोले प्रमेय सेटिस्फाई हो गई। देखिए सभी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो गई, कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई और सी की एक वैल्यू जो निकाली वो इस अंतराल यानी ये जो इंटरवल है उसके बीच में आ गई, तो इसका मतलब रोले थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा इसको सोल्व भी किया है, आप इस तरह से इसको
करने का जो तरीका है पूरा विधिवत तरीके से आप इस तरह करेंगे, पूरी लैंग्वेज इस तरह से लिखी जाएगी। देखो जैसे लिखा वाई एक्स वाई इज ए पॉलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -2, 2 एंड डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल -2, 2। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, इंग्लिश में जैसी आपकी सुविधा हो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू निकाली, वैल्यू सेम टू सेम आ गई। देन देयर एग्जिस्ट सी -2, 2 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू निकाली वो इसके बीच में, हेंस रोल इज फ्रॉम सेटिस्फाई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों पर उनके सम्मुख दिए गए अंतरालों पर लागू होता है। आपको बताना है कि क्या रोले थ्योरम सेटिस्फाई है। अगर रोले थ्योरम सेटिस्फाई है तो ये जो है रोले थ्योरम की जो 3 कंडीशन है और साथ में चौथी कंडीशन क्या है कि जो सी की वैल्यू है वो इंटरवल के बीच में आनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 4 कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेन एक्स जो है वो क्या है, यहाँ पर इंटरवल दे रखा 0 से π, और हम जानते हैं टेन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है कुछ ऐसे, यानी कि ये जो कंटिन्यूस होता है वो -π/2 से +π/2, यहाँ +π/2 हो जाएगा, +π/2 के बीच में होता है, लेकिन लिखा है क्या 0 से π, तो भाई 0 से π तो यहाँ तक होगा, तो यहाँ पर तो ये ब्रेक हो जाता है ऐसे करके, यानी कि नॉन कंटिन्यूस है, तो हमें तो वैसे ही मालूम चल गया। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है लेकिन ये अपने अंतराल जो अंतराल दे रखा है वो अंतराल इसका जो अपना अंतराल है वो है -π/2 से +π/2, ये है। अगर ये दिया होता तो हम तुरंत कह देते कि ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये -π/2 से +π/2 नहीं दिया है, 0 से π दिया है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। जब कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका जो इंटरवल है 0 से π वो इसके अपने अंतराल -π/2 प्लस π/2 के बीच में नहीं आ रहा है, अतः यह क्या है, सतत और अवकल्य नहीं है। जब सतत अवकल्य नहीं है तो रोले प्रमेय सेटिस्फाई नहीं होगी, हमें अगली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से देखिए जो सेकंड वाला है, इसमें देखिए बहुपद है, तो हम जानते हैं बहुपद क्या है, कंटिन्यूस भी होता है डिफरेंशिएबल भी होता है, किस पे, कोई सा भी वास्तविक संख्या रख दीजिए दुनिया की, अगर बहुपद है तो दुनिया की कोई सी भी आप वास्तविक संख्या रख दीजिए, वास्तविक संख्या रखने पर निश्चित रूप से वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल आएगा। तो इसका मतलब ये तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल तो हो गया, लेकिन इसमें जो तीसरी कंडीशन है देखिए वो शायद फेल हो जाएगी, क्योंकि एक रखेंगे तो 16 का आएगा, देखिए 3 × 1 यानी कि 3 आया, और जब हम 2 रखेंगे तो आएगा ये आएगा 2 की पावर 3, यानी 2 × 4 = 8 = 24। देखिए डिफरेंट अलग आ रहा है, ये बिल्कुल सेम टू सेम आना चाहिए, तो तीसरी कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई है। तो जो सेकंड वाला है वो कैसा है, इसमें भी रोले प्रमेय सेटिस्फाइड नहीं है। अब देखिए जो तीसरा वाला आया इसमें जरा ध्यान से समझेंगे, ये देखिए लघुगणकीय फलन है, तो लघुगणकीय फलन के लिए हमने क्या कहा था कि x के प्लेस पर रखने पे, x के प्लेस पर जो वैल्यू रखेंगे वो यहाँ पे पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर की वजह से जो भी इंटरवल इसमें दे रखा है वो पॉजिटिव आएगा, जो पॉजिटिव आएगा तो हम जानते हैं लघुगणकीय जो फलन होता है वो अपने अंतराल में सतत और अवकलनीय होता है, क्योंकि ये लघुगणकीय फलन है और ये जो इसका जो अंतराल दे रखा है उसमें ये पॉजिटिव दे रहा वैल्यू, तो ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या, एक्स के प्लेस पर हम देखिए -1 रखेंगे, क्योंकि -1 रखेंगे तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, +1 रखेंगे तब भी प्लस रहेगा, यानी कि वैल्यू भी सेम आएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके बीच की एक वैल्यू निकाल कर चेक करेंगे, अगर वो वैल्यू -1 और +1 के बीच में आ गई तो हमारा काम बन जाएगा, अर्थात रोले थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको भी देखिए आपको डिटेल से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहला वाला हमने देखिए कर दिया, लैंग्वेज लिख दिया यहाँ पे, सिंस आप हिंदी में भी ले सकते हैं इंग्लिश में भी, इट्स नॉट प्रॉब्लम, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वो लैंग्वेज आप अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टेन एक्स इज कंटिन्यूस एट -π/2 प्लस π/2, अगर ये इंटरवल होता तो क्या है, कंटिन्यूस है लेकिन डज नॉट बिलोंग 0 to π, लेकिन ये 0 और π के बीच में नहीं आ रहा, बट नॉट कंटिन्यूस एट 0, 5, बट नॉट कंटिन्यूस 0, 5, नॉट डिफेंसिबल एंड 0, 5, इसका मतलब इसमें क्या, ना तो कंटिन्यूस है ना डिफरेंस, रोले थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे देखिए सेकंड वाला भी क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू -1, 2, सिंस एफ एक्स इज रियल पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन गिवन इंटरवल, तो कंटिन्यूस तो है डिफरेंशिएबल है, बट देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू डिफरेंट है, हेंस रोले थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए यहाँ पे तीसरे वाले की बात करते हैं, जो तीसरा वाला मैंने अभी आपको बताया था, तो गिवन फंक्शन इज रियल लॉगरिथमिक फंक्शन, रियल लॉगरिथमिक फंक्शन है इन द गिवन इंटरवल, जो इंटरवल दे रखा है उसमें रियल लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा इंटरवल, सो इट इज कंटिन्यूस
एंड डिफरेंशिएबल इन गिवन इंटरवल। तो इंटरवल दे रखा उसमें ये कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तीसरी कंडीशन देखिए चेक करी, वैल्यू हमने निकाली वो बिल्कुल सेम टू सेम आ गई। अब जो चौथी कंडीशन है वो वैल्यू हम निकालेंगे, देन देयर एग्जिस्ट सी माइनस वन टू बिलोंग टू सच दैट। हमने इसका देखिए डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल करने के बाद हमने एक्स के स्थान पर सी रखा, सी की वैल्यू जो आई वो जीरो आई, और हम जानते हैं जीरो माइनस वन और प्लस वन के बीच में लाई करता है, अतः क्या हुआ रोले थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये समझ में तभी आएंगे जब आपकी जो थ्योरी है वो स्ट्रांग होगी। अगर थ्योरी स्ट्रांग नहीं है तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आने वाले। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री स्क्रीन पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो ग्रुप हमने बना रखा है उसमें हमने पीडीएफ डाल दिया है। उस पीडीएफ में रोले प्रमेय के बहुत सारे क्वेश्चन है जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं केवल तीन क्वेश्चन ही यहाँ पे कराऊंगा, तीन या चार क्वेश्चन, बाकी और प्रैक्टिस आपको करनी है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप वहां से इन क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करिए, समझिए क्या है, और प्रैक्टिस के लिए वो मैंने क्वेश्चन ग्रुप में डाल दिए, आप वहां से इसको करें। तो देखिए क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। फलन ये, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली, देखिए ए और बी क्या जीरो से बड़े हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं, और हमें पॉजिटिव ही चाहिए, निगेटिव अगर आ जाते तो हमारी कहानी खराब कर देती, क्योंकि जो फंक्शन होना चाहिए वो रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। अगर रियल वैल्यू फंक्शन नहीं आ रही तो सबसे पहली कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं लोग के अंदर इसमें कोई भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। देखिए इसलिए मोड भी लगा हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, हमें ये इंटरवल दे रखा, ये समझ लीजिए ये कोऑर्डिनेट नहीं है, निर्देशांक नहीं है, ये इंटरवल है। के लिए रोले प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो रोले प्रमेय कैसे सत्यापन करेंगे, तो हम देखिए फिर वही लाइन लिखेंगे, क्योंकि ये लघुगणकीय फलन है और हम जानते हैं लघुगणकीय जो फलन होता है वो अपने अंतराल में कंटिन्यूस और डिफरेंशियल होता है। तो लीजिए पहली और दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी कंडीशन के लिए हम एक्स के स्थान पे यहाँ पे ए रखेंगे और एक्स के स्थान पे बी रखेंगे, दोनों सेम टू सेम आना चाहिए, ठीक है, वो सेम इसमें आएगा। तीसरी कंडीशन के लिए हम कोई एक वैल्यू निकालेंगे, वो इस ए और बी के बीच में लाइक करनी चाहिए, और ए और बी के बीच में आती है तब तो रोले थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो चलिए अब देखते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, पहले वही लाइन लिखी जो कि हमने अभी आपको बताई थी, एफ एक्स एक लघुगणकीय फलन है, मैंने देखिए हिंदी में भी लिख दिया जिससे हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। एफ एक्स एक लघुगणकीय फलन है, अतः यह है अपने प्रांत एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी में, जहां देखिए क्यों हमने अपने प्रांत क्यों लिखा, क्योंकि ए और बी क्या जीरो से बड़े हैं, ये इसका इसकी आउंड रेंज है, सतत होगा। एफ एक्स एक लघुगणकीय फलन है, अतः यह अपने प्रांत, इसमें देखिए ऊपर क्लोज इंटरवल लिखा हमने और यहाँ पर लिखा ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा। अब देखिए हमने ए और बी की वैल्यू निकाली, सोलो के लोग वन दोनों सेम टू सेम आई, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। एक अन्य मान सी ए व बी के बीच अवश्य होगा, जहां आप देखिए कोई एक वैल्यू सी की जरूर निकालेंगे जो ए और बी के बीच में होगी, तो देखिए वो हमने नेक्स्ट वाले अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे निकाली है। तो यहाँ पे देखिए वो वैल्यू हमने, ये वाला जो पोर्शन पहले वाले पेज का है, अब यहाँ पे देखिए वो वैल्यू हमने निकाली, पहले डिफरेंशियल कर दिया हमने, डिफरेंशियल करके सी की वैल्यू रख दी, और जो सी की वैल्यू आई वो अंडर रूट ए बी आई। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक दो है और एक है, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ एक ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक तीन लिया और एक दूसरा तीन लिया, तीन नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, तीन मैं ले लेता हूँ बारह, ठीक है ये लिया मैंने, ठीक। अब देखिए तीन और बारह है, एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं समझा रहा हूँ, ये तीन और बारह दोनों ही जीरो से बड़े हैं, अगर मैं इनका वर्गमूल निकालूं तीन गुणा बारह, तीन गुणा बारह का जो वर्गमूल होगा वो होगा छत्तीस यानी छः। अब देखिए छः जो आ रहा वो तीन और बारह के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट ए भी आया, तो इसका मतलब अंडर रूट ए भी जो होगा वो ए और बी के बीच में होगा, इस वाले नियम से देखिए है कि नहीं। तीन और बारह लिया मैंने, दो संख्या है उनका वर्गमूल लिया तो आया छः, तो वर्गमूल क्या तीन और बारह के बीच में आ रहा। इस तरह ए और बी दो संख्याएं थी, उनका जो वर्गमूल है वो सी की जो वैल्यू आई वो अंडर रूट ए भी आई, इसका मतलब अंडर रूट ए भी जो होगी वो ए और बी के बीच में लाई करेगी, तो इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या लिखेंगे, अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, देखिए एक और क्वेश्चन ये आ गया है। अब तो मैं समझता हूँ इसका आंसर आप अपना आप भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इतनी थ्योरी इसकी स्ट्रॉन्ग आके कर दी है, आप क्वेश्चन आप जवाब देने लगेंगे। देखिए एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स कॉस एक्स, ये के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। जरा ध्यान से दीजिए, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स जो कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, और ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और हमने क्या कहा था,
e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका मतलब ये जो होगा e की पावर x अपने अंतराल में कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल होगा, और cos x जो होगा वो भी अपने अंतराल में कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल होगा। अब देखिए हम जानते हैं cos x की जो रेंज है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए cos x की जो रेंज होती है, जरा ध्यान समझेंगे, cos x की जो रेंज होती है वो जीरो से पाई के बीच में होती है, यहाँ माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है, इसका मतलब ये इसके बीच में नहीं आ रही। अब यहां आकर गड़बड़ हो गया, e की पावर x तो कंटिन्यूस डिफरेंशियबल होगा लेकिन cos x जो है कंटिन्यूस डिफरेंशियबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो रेंज दे रखी है वो जीरो और पाई के बीच में, इसकी जो रेंज है cos की वो जीरो से पाई के बीच में है, यहां से जीरो से पाई के बीच में ये कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल होता है। अच्छा cos वाला है, ये साइन वाला होता है जीरो से पाई के बीच में, तो भाई ये तो सही हो गया भाई, cos का जो होता है वो ऐसे होता है यहां से, ठीक है। तो देखते हैं इसको, मैंने यहाँ किया है, देखिए यहाँ लिख दिया, सिंस एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज ऑन डोमेन आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, सो प्रोडक्ट ऑफ ई की पावर एक्स एंड कोस एक्स आल्सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल। देखिए कोस एक्स का जो है रेंज है वो ये वाली बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जीरो से पाई जो होगी वो अलग होगी, साइन वाला अगर आता है तो उसकी जीरो से पाई के बीच में जाएगी, जीरो से पाई के बीच में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल होता है। कोस का जो फंक्शन है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल होता है, देखिए यहाँ पे माइनस पाई बाई टू होगा यहाँ पे और ये प्लस पाई बाई टू होगा ऐसे, तो इस तरह से होगा माइनस पाई बाई टू इधर होगा और प्लस पाई बाई टू ऐसे होगा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, कोस जीरो की वैल्यू वन, ये ऊपर से जाएगा थोड़ा सा, ओ सॉरी सॉरी, ये कोस है, कोस का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से, मतलब एक्स की कोई सी भी वास्तविक वो सभी देखिए नॉर्मल कंटिन्यू, बट ये जो रेंज है वो टेन वाले की, मैंने समझ ली टेन वाले में ब्रेक होता है, लेकिन साइन कोस में क्या होता है, एक्स की कोई सी भी वैल्यू, एक्स की कोई सी वैल्यू सभी के लिए जो है ये कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशियबल भी होगा, कोस एक्स वाला फंक्शन है। साइन और कोस क्या होते हैं, इस तरह का ग्राफ होता है साइन कोस का, इस तरह ग्राफ होने के बाद भी चूंकि ब्रेक नहीं होता है कहीं भी, तो एक्स की सभी वास्तविक मान के लिए कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल होता है। ई की पावर एक्स जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, वो अपने जो ई की पावर एक्स का जो होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से ग्राफ इसका होता है, और ई की पावर हम माइनस पाई बाई टू रखेंगे तो अपॉन में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, देखिए ई की पावर माइनस पाई बाई टू अपॉन में लेके जाएंगे तो e की पावर पाई बाई टू, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव नहीं आना चाहिए बात, क्योंकि e की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, ऐसे रख के इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर एक्स क्या है, अपने अंतराल में कंटिन्यूस और डिफरेंशियल है, कोस एक्स भी अपने अंतराल में कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल है, तो इनका जो प्रोडक्ट है, देखिए क्या हो रहा है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल होगा, तो एक कंडीशन तो हो गई। देखिए सिंस एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज ऑन डोमेन यानी अपने अंतराल में आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, सो प्रोडक्ट ऑफ e की पावर एक्स एंड कोस एक्स आल्सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू का हमने वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद ये भी जीरो आई, दूसरे वाली भी देखिए जीरो आई, वैल्यू सेम आ गई, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। चौथी कंडीशन क्या है, हम कोई वैल्यू निकालेंगे और वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आनी चाहिए, वो कैसे निकलेगी, हम डिफरेंशियल करेंगे, पहले हमने देखिए डिफरेंशियल करके एक्स के स्थान पर सी रख दिया और एफ डैश सी की वैल्यू जीरो, जीरो क्यों रखते हैं, क्योंकि सी पॉइंट पे एक्स एक्स के समांतर जो टेंजेंट होती है वो एक्स एक्स के समांतर होती है, इसलिए देखिए यहाँ पर हमने जीरो रखी। साइन सी इक्वल टू कॉस सी, टेन सी, टेन सी यानी कि टेन ये वन बचेगा, वन होता है टेन पाई बाई फोर की वैल्यू, तो सी की जो वैल्यू आई पाई बाई फोर आई, और पाई बाई फोर जो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई करती है। तो इससे क्या पता चला कि इसकी जो रोले की जो चार कंडीशन है वो चारों के चारों सेटिस्फाई हो गए, कंटिन्यूस भी हो गया, क्यों हो गया कंटिन्यूस, क्योंकि e की पावर एक्स कंटिन्यूस, कोस एक्स कंटिन्यूस, तो प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस, डिफरेंशियबल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि e की पावर एक्स डिफरेंशियबल, कोस की पावर कोस एक्स डिफरेंशियबल, तो प्रोडक्ट भी डिफरेंशियबल, ठीक। और फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ गई, साथ में एक वैल्यू हमने सी निकाली जो इन दोनों के बीच में आई पाई बाई फोर, पाई बाई फोर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए सौ रोले की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए रोले प्रमेय सेटिस्फाई हो गई। चलिए आप देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में दिए, आप वहां से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम समझते हैं लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को, ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम बड़े आसानी से समझ में आने वाली है।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको रोले थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो लैग्रांजे थ्योरम की मेरी गारंटी है आपको बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। क्यों? क्योंकि लैग्रांजे थ्योरम में देखिए जो पहली दो कंडीशन है वो तो बिल्कुल सेम टू सेम है, वही है जो कि रोले थ्योरम में थी, यानी कि फंक्शन जो होना चाहिए वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो दो कंडीशन तो वही है, तो इसका मतलब आधा काम हमारा हो गया। साथ में जो तीसरी कंडीशन थी कौन सी, क्या थी, कि फंक्शन सेम टू सेम होना चाहिए, वो यहाँ पे जरूरी नहीं है। लैग्रांजे थ्योरम में फंक्शन की वैल्यू अगर सेम हो ये जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब तीसरी कंडीशन हमें नहीं करनी है, एक काम हमारा ये आधा हो गया। लेकिन सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सी की वैल्यू जो निकाली जाएगी वो कुछ अलग तरीके से निकाली जाएगी। पहले क्या था, क्योंकि ये वैल्यू फंक्शन सेम थी, वैल्यू सेम होने की वजह से बीच में कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा था सी की वैल्यू जहां पर स्पर्शी एस एच के समांतर थी, लेकिन आपके ऐसा नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, तो कुछ अलग होगा। आपके ऐसा होगा क्योंकि ये वैल्यू समान है तो कम से कम एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा जरूर होगा जिसपे जो टेंजेंट होगी वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली टेंजेंट के समांतर होगी, आपके एक्सिस के समांतर नहीं होगी। दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके समांतर कोई दूसरी टेंजेंट होगी, ठीक है, जिसपे हम सी की वैल्यू निकालेंगे और वो ए और बी के बीच में होनी चाहिए। ठीक, तो इसको देखिए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो और अच्छा लगेगा। देखिए जैसा कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये इंटरवल है ए कोमा जीरो, ये ए कोमा जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कोमा जीरो, तो यहाँ पे जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ ए और ये हो जाएगा एफ बी, यानी बाई की वैल्यू कोटी बोले को, तो इसका जो पॉइंट हो गया वो हो जाएगा ए कोमा एफ ए और इसका जो पॉइंट होगा सिरे का वो हो जाएगा बी कोमा यानी भुज कोमा कोटी, ये पॉइंट है, ठीक है, वो इंटरवल नहीं है यारा, ये हो गया पॉइंट यहाँ से बी कोमा एफ बी। अब जरा ध्यान देंगे, अगर मैं इसकी टेंजेंट निकालूं, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, इसकी टेंजेंट निकालूं तो वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से निकलती है टेंजेंट। कैसे निकलती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू का मतलब हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू का मतलब बी माइनस ए, ये क्या होगी टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट होगी इस पर कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा सी जरूर होगा जिसपे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी एक्स, इस वाली टेंजेंट ए बी के समांतर होगी। यहाँ पे देखिए सी डी जो है, ये सी डी जो है, या इसे चलिए पी क्यू कह देता हूँ, जो पी क्यू है वो ए बी के समांतर है। जब समांतर है तो इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट दोनों सेम टू सेम होंगी। इसकी टेंजेंट क्या ये है और इस पर जो टेंजेंट है वो हमने मान लिया, जो यहाँ पर फंक्शन दिया होगा उसका जो डिफरेंशियल होगा वही इस पॉइंट पर टेंजेंट कहलाएगी, यानी एफ डैश एक्स कहलाएगी। अब चूंकि ये सी पॉइंट पर है तो एक्स के स्थान पर हम यहाँ सी लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा एफ डैश सी। तो इसका मतलब एफ डैश सी इजिकल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इसके समांतर है तो ये वाली टेंजेंट यानी इस वाले पॉइंट पे पी पे टेंजेंट, चलो इसे कोई सी मान लेते हैं, सी पे टेंजेंट और पी क्यू, सी पे टेंजेंट और ए बी की जो टेंजेंट है दोनों की प्रवणता समान होगी, यानी एफ डैश सी बराबर हो जाएगा क्या एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू होगी वो इस प्रतिबंध से निकलेगी, जैसा कि अभी मैंने पीछे आपको बताया था ये वाली देखिए। तो यहाँ पे ए बी के बीच में सी इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए का मतलब ये जो है दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता है, ये वाली इतनी दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता है, और एफ डैश सी क्या है एक पॉइंट सी पे प्रवणता है जो दो बिंदु से जाने वाली प्रवणता के समांतर है, समांतर होने की वजह से इन दोनों की प्रवणताएं बराबर हो गई। तो इससे हम सी की वैल्यू निकालेंगे और सी की जो वैल्यू है वो इस अंतराल के बीच में होनी चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तब तो ये सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो बिल्कुल जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था, अगर वो चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई है तो समझ लो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब करते हैं प्रैक्टिस के लिए इसके कुछ क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन पहला लैग्रांजे का आ गया है, निम्नलिखित फलनों के लिए सम्मुख दिए गए अंतराल पर लैग्रांजे के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। अब देखिए यहाँ लैग्रांजे की मीन वैल्यू थ्योरम को हमें सेटिस्फाई करना है तो इसकी तीन कंडीशन है, रोले की चार कंडीशन थी इसकी तीन कंडीशन है, एक कंडीशन इसकी कम हो गई है। तो सबसे पहले जो कंटिन्यूस होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देखिए सबसे पहला हम जानते हैं कि जो ऊपर दिया हुआ ये एक बहुपद है यानी कि पॉलिनोमियल है, और जो अपोन में ये भी क्या है एक बहुपद है और पॉलिनोमियल है, और ये भाग क्या ये अपोन का मतलब डिवाइड, तो हम जानते हैं दो बहुपदों का डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने के बाद भी जो नया फंक्शन आता है या यूं कहें
कि रेशनल फंक्शन जो होता है, रेशनल कैसा, पॉलीनोमियल का जो रेशनल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल होगा, किसके लिए, एवरी रियल वैल्यू के लिए। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस वन एक पॉलीनोमियल, x कैसा है पॉलीनोमियल, और इनको डिवाइड किया गया, और हम जानते हैं दो बहुपदों का जो डिवाइड होता है वो भी x की किसी भी वास्तविक मान के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल होता है। तो देखिए दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, या तीसरी कंडीशन इसमें और निकालनी है, क्या निकालनी है कि इसका पहले डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल कैसे करेंगे, देखिए पहले इसको हम ऐसा ले सकते हैं x प्लस के वन अपॉन x, अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, ठीक है, और इसका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। अब हम जो है यहाँ पे x के स्थान पे क्या रख देना, हमें c रख देना, होगा 1 अपॉन c स्क्वायर। अब यहाँ पे c की वैल्यू निकालेंगे वो 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी क्या, जो f1 की जरूरत पड़ेगी, तो f1 कितना हो जाएगा, f1 हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी 2 आ गया। जरूरत पड़ेगी हमें f3 की, f3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3, 3 तिया 9 और 1 10 बटे 3 आ गया, ठीक। अब जो फॉर्मूला क्या था इसमें तीसरी कंडीशन का, वो था f डैश c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f b माइनस f a अपॉन b माइनस a, ये। तो एफ डैश सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, ये एफ डैश सी हो गया, कितना है 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, और एफ वी कितना है, एफ वी का मतलब एफ थ्री, यहाँ पे आएगा एफ थ्री, और एफ ए का मतलब एफ वन, जो इंटरवल हमें दे रखा है वो यहाँ पे लिखना है, यानी कि 3 माइनस ए। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, एफ थ्री की वैल्यू है 10 बटे 3, एफ वन की वैल्यू है 2, और यहाँ पर कितना आएगा 2, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, देखिए कितना 3 दूनी 6, ये 10 में 6 का 4 बटे 3, ये हो गया 4 बटे 3, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसका एलसीएम ले लेंगे सी स्क्वायर, यानी कि 3 सी स्क्वायर माइनस के 3 इक्वल टू 2 सी स्क्वायर, ये आगे देखिए, और ये हो जाएगा 3 सी स्क्वायर, ये बचा सी स्क्वायर इक्वल टू 3, यानी सी इक्वल टू आ गया रूट 3। रूट 3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, 1.732 इनके बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब देखिए सी की वैल्यू भी इसके बीच में आ गई। तो यहाँ पे क्या देखिए, बहुपदों का भागफल है इसलिए ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हुआ, और जो एक हमने तीसरी वैल्यू निकाली, कैसे निकाली, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली टेंजेंट की, टेंजेंट यानी कि प्रवणता, और इस सी पे खींच के प्रवणता समांतर है, तो समांतर के लिए दोनों को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद देखिए सी की वैल्यू हमने निकाली, सी की जो वैल्यू आई वो इस इंटरवल के बीच में आ गई, तो इसका मतलब लैग्रांजे प्रमेय सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए ये वाला फंक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, अंडर रूट के अंदर ये बहुपद तो है नहीं, लेकिन इसकी खास बात ये है कि जो हमें इंटरवल दे रखा है उस इंटरवल में ये एक रियल वैल्यू फंक्शन है, 3 और 5 के बीच में क्या है एफएक्स, एक रियल वैल्यू फंक्शन है, क्योंकि एक्स के स्थान पर आप 3 रखोगे तो 0 आएगा, 5 रखोगे तो 5 × 25 = 16 आएगा, यानी कि एक रियल वैल्यू दे रहा है। तो चूंकि ये जो है इस 3.5 दिए गए इंटरवल में रियल वैल्यू फंक्शन दे रहा है, अतः ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, रियल वैल्यू फंक्शन अगर देता है तो वो समझ जाओ वो कंटिन्यूअस है। अब इसका जो जब कंटिन्यूअस है, ठीक है, अब चूंकि रियल वैल्यू फंक्शन है तो डिफरेंशियबल भी हो गया, तो कंटिन्यूअस डिफरेंशियबल हो गया। अब तीसरी कंडीशन जो वो चेक कर ली जाएगी, तीसरी कंडीशन में सी की वैल्यू निकालेंगे वो 3 और 5 के बीच में आनी चाहिए, अगर आ गई तो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये क्वेश्चन को इस तरह से किया जिससे आपको समझ में आ जाए, तो पहले देखिए पहले वाले क्वेश्चन के लिए क्या कहा, एफ एक्स दो बहुपदों का भागफल है जो एक्स माइनस 3 में वास्तविक है। हम जानते हैं दो बहुपद का भागफल समस्त वास्तविक मानों के लिए सतत और अवकलनीय होता है, तब एक अन्य मान सी अवश्य होगा, जो अब देखिए एक अन्य मान सी जरूर होगा जो इनके बीच में होगा, तो ये फॉर्मूला एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए, और यहाँ पर हमने देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर हमने एफ एक्स लिखा, इसका डिफरेंशियल किया हमने, ये आ गया, फिर सी रख दिया, एक्स के स्थान में 1 रख के 3 रख के दोनों वैल्यू निकाली, ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू फिट कर दी, और सी की जो वैल्यू आई देखिए वो रूट 3 आई, वो किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में है, ठीक है, सी की वैल्यू। तो हमने क्या कहा, लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो गई। अब इसका जो सेकंड पार्ट है देखिए उसमें देखिए एफ एक्स दो बहुपदों का भाग, अच्छा ये तो हम, अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए जो मैंने अभी यहाँ पर कराया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला,
देखिए यहाँ भी हमने वही बात लिखी है, एफ एक्स इक्वल टू ये, सिंस एफ एक्स गिव डेफिनेट एंड फाइनाइट रियल वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू इतने, सो इट इज कंटिन्यूस। ठीक है, ये कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि एक्स के कितनी वैल्यू पे, 3 और 5 पे एक रियल वैल्यू फंक्शन दे रहा है, इसलिए कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल है। ठीक, अब यहाँ पे हमने देखिए इसका डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल करने के बाद ये आया। अब अगर डिफरेंशियल करने के बाद उस रेंज में ये रियल वैल्यू फंक्शन देता है तो ये भी डिफरेंशियबल होता है। तो देखिए डिफरेंशियल करने के बाद एक्स की जो वैल्यू है, अब यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल है, अगर हमने यहाँ पर 3 रख दिया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, जो नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या कहा, ओपन इंटरवल यानी 3 और 5 को छोड़ के। अब x के स्थान पे आप 3 और 5 को छोड़ के कोई भी वैल्यू रख देंगे 3 और 5 के बीच की, तो यहाँ पे क्या देगा, एक रियल वैल्यू फंक्शन देगा, इसलिए जो फंक्शन एफ एक्स है वो कैसा है, डिफरेंशियबल है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो डिफरेंशियबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, और कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे। तो बिल्कुल सही है, देखिए क्लोज पे कंटिन्यूस हो गया, और डिफरेंशियल करने के बाद हमने ये पॉइंट रख कर देखा रियल वैल्यू फंक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियबल हो गया। अब देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वैल्यू सी ए कोमा बी सच दैट, तब कोई एक वैल्यू सी जरूर होगी जो ए और बी के बीच में लाया करेगी, यानी 3 और 5 के बीच में होगी। देखिए वो भी हमने यहाँ पर निकाली है, तो यहाँ पर देखिए ब्लैक से ये करिए, तो यहाँ पर देखिए पहले हमने फॉर्मूला लगाया, एफ सी की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, सी की जो वैल्यू हमने निकाली थी, सी की वैल्यू यहाँ से देखिए हमने डायरेक्ट रख दी है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैस सी, एक्स के स्थान पे सी रख देंगे यहाँ पे, तो सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 9 यहाँ से निकालें। ठीक है, एफ फाइव की वैल्यू एफ एक्स के स्थान पे जब हम 5 रखेंगे तो ये निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एफ फाइव की वैल्यू एक्स के स्थान पे 5 रखेंगे, 5 25 में से 9 यहाँ रख दिया एक्स की वैल्यू, एफ फाइव का मतलब यहाँ पे वैल्यू इस वाले से, यहाँ से एफ फाइव की वैल्यू निकाल ली, एफ थ्री की भी वैल्यू यहाँ से निकाल ली, और हमने देखिए इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद सी की जो वैल्यू आई वो 12 आई, यानी अंडर रूट 12 है, अंडर रूट 12 जो होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा, क्योंकि 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 12 जो हो गया वो 9 और 25 के बीच में है, तो इसका मतलब ये जो रूट 12 होगा 3 और 5 के बीच में होगा, हैंस लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, अंतराल इतने में अकेली मध्यवान प्रमेय को सत्यापित कीजिए, यानी कि जो है ये लैग्रांज मध्यमान थ्योरम को हमें सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पर देखिए फिर ये इंटरवल ये दे रखा हमें और ये दे रखा है, तो अब आप समझ में आ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का माजरा क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक बहुपद है, पॉलीनोमियल है, तो पॉलीनोमियल है तो हम बस एक लाइन हमें लिखेंगे, क्योंकि गिवन फंक्शन इज अ पॉलीनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल एवरी रियल नंबर, तो ये प्रत्येक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल होगा। अब हमें क्या करना, बस एक कोई वैल्यू निकालनी है सी की, वो ऐसी निकालनी कि वो रेंज 2 और 4 के बीच में होनी चाहिए, वो कैसे निकलेगी, 2 और 4 से होकर जाने वाली जो टेंजेंट होगी वो उस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट के समांतर होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा, देखिए डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और यहाँ पे एक्स के स्थान पर क्या रखना, सी रखना है, तो ये हो जाएगा 2c, साथ में हमें निकालनी पड़ेगी f2 की वैल्यू, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। f2 कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग होता है 4, साथ में निकालना पड़ेगा f4, 4 चौक हो जाएगा 16। तो फॉर्मूले में फिट कर देते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो है 2c, एफ बी का मतलब क्या हो जाएगा, एफ बी का मतलब f4, और एफ ए का मतलब f2 अपॉन 4 माइनस 2। ठीक, अब देखिए 2c यहाँ ऐसे रहेगा, f4 कितना है, f4 है 16, f12 कितना है, ये है 4, और 4 में से 2 गए 2, तो 16 में से 4 जाएंगे 12 बटे 2, 2 चंग 12, तो c बराबर आ गया 3। तो क्या 3 2 और 4 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है, देखिए 2 और 4 के बीच में, तो देखिए क्योंकि कंटिन्यूस हो गया बहुपद होने की वजह से, डिफरेंशियबल हो गया बहुपद होने की वजह से, साथ में एक c की वैल्यू भी हमने निकाली वो क्या आई, इन दोनों के बीच में आई। अब इसमें हमें वाली फंक्शन की वैल्यू तो सेम करने नहीं होती है, ठीक है, तो हेंस द गिवन फंक्शन इज आर लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड। ठीक, तो ये जो फंक्शन है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तो इसी को हमने लैंग्वेज के रूप में देखिए यहां लिख दिया है, एफ एक्स बहुपद फलन आता है बंद अंतराल इतने पर सतत एवं खुले अंतराल इतने पर अवकलनीय होगा, एक अन्य मान सी अवश्य होगा, जो कि यहां से देखिए वैल्यू रख दी हमने, यहां पे वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू 3 आ गई, मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई।
एक और क्वेश्चन हम इसका देते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन। प्रैक्टिस करने के लिए हमने पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया, आप वहां से जम के इसके प्रैक्टिस करें जिससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। लैग्रांजे के प्रमेय द्वारा फलन, यानी कि लैग्रांजे के प्रमेय का यूज करना है। एक फंक्शन हमें दे रखा, वाई कह दो या एफएक्स कह दो, बात एक ही होती है, ठीक है, जो कि इतने पर परिभाषित है। अब देखिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हुआ होगा तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। वक्र के वे बिंदु याद कीजिए जिसपे खींची गई वक्र की स्पर्श रेखा वक्र के अंत्य बिंदु को मिलाने वाली जीवा के समांतर है, यानी कि ये इस टाइप का अंत्य बिंदु कौन से है, ये वाले, यहाँ पे 2, समथिंग होगा, यहाँ पर होगा 3, समथिंग, यानी 2, F2 कह सकते हैं इसको, और इसे 3, F3 कह सकते हैं। और देखो क्या कह रहा है वो, वक्र पे स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसपे खींची गई स्पर्श रेखा वक्र के अंत्य बिंदु को मिलाने वाली जीवा के समांतर है। इनको मिलाने वाली जीवा के समांतर वो पॉइंट निकाला, वो कौन सा पॉइंट है जो इसको मिलाने वाली जो जीवा है वो इसके समांतर है, यानी कि यहाँ पे है F-X, तो वो पॉइंट कौन सा मान लिया हमने, C मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से C और ये FC, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे C, FC, ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमें निकालना, तो ये कैसे निकालेंगे, तो हम लैग्रांजे की जो थर्ड कंडीशन है बस वो लगाएंगे हम यहाँ से और सी की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन समझने की बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आने वाला। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे से मजे समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने देखिए क्वेश्चन को कर दिया है कि अगर आप वाई यानी एफएक्स दे रखा है, डिफरेंशियल कर लिया हमने, एफ डैश सी रख दिया, लैग्रांजे प्रमेय से हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए, इन सब की वैल्यू रख दी और सी की वैल्यू हमने निकाली, वो कितनी आ गई, 9/4 देखिए इसके बीच में है। तो ये हमसे पूछी थी, लेकिन हमसे पूछा पॉइंट, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, C, FC, तो सी क्या है, सी तो हो गए 9/4, एफ सी कहाँ से निकलेगा, जो एक्स है इसके स्थान पे ही हमने सी रख दिया, सी रखेंगे तो C-2, सी की जगह ये 9/4 रख दिया हमने, 1/2, तो पॉइंट कितना आ गया, 9/4, 1/2, यानी कि वो जो पॉइंट हो गया 9/4 और 1/2 हो गया, जिस पर जो टेंजेंट है वो दिए गए पॉइंटों पे खींची गई टेंजेंट के समांतर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट भी आपका क्लियर कर दिया है, क्वेश्चन दे दिए हैं, और प्रैक्टिस करनी है तो आप ग्रुप में पीडीएफ डाल दें, आप वहाँ से जमकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देंगे, हमारी टेस्ट सीरीज भी चलती है, अगर आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ग्रुप एक व्हाट्सएप नंबर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जुड़ के टेस्ट सीरीज से जुड़ने की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।